गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये, और नॉर्मली बिकॉज दिस टॉपिक इज रिक्वायरिंग थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स, सो नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में 3D डायग्राम दिखाना पॉसिबल नहीं होता टीचर के लिए, ना ही बोर्ड पे ड्रा करना पॉसिबल होता है। सो आज हम क्योंकि एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट टॉपिक है, तो इसमें जो मेन इवेंट्स हैं एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट की, वो हम आपको दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट लाइफ लॉन्ग। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड इट, सो लेट्स कम टू द टॉपिक डायरेक्टली। सो इट्स फॉर नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट? एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस फर्टिलाइजेशन फर्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so as I told you in the last lecture that fertilization takes place at the junction of isthmus and ampulla, right? Fertilization is combining of sperm with egg, right? तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, और उसके बाद इधर से स्पर्म आते हैं, और यू कैन सी आउट ऑफ सो मेनी स्पर्म्स ओनली वन स्पर्म एंटर्स द सेकेंडरी ओसाइट। ओके, सो दिस इज द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद जायगोट बन जाता है, राइट? फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट, और उसके बाद जायगोट का डिविजन स्टार्ट हो जाता है, राइट? यू कैन सी जायगोट सेल डिवाइड्स इंटू टू सेल्स, राइट? सो दिस डिविजन ऑफ जायगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। सो क्लीवेज अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्लीवेज के बाद यानी एक एक सेल से दो सेल बन जाती है, ये माइटोटिक डिविजन होते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, राइट? सो टू सेल स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है, राइट? उस इट इज ऑन डे टू, राइट? एंड उसके बाद सेकेंड क्लीवेज होती है, राइट? तो दो से चार सेल बन जाएंगी। फिर थर्ड क्लीवेज होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद होती है, सेकंड क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे बाद होती है, राइट? और उसके बाद डे 3 to 4 डेज आते आते यानी करीब करीब 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है, राइट? यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, राइट? तो इस तरह ये डेवलप होते हुए नीचे यूट्रस में आ रहा है, राइट? और तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। पहले हम फर्टिलाइजेशन को डिटेल में आपको बता देते हैं कि फर्टिलाइजेशन में मेन मेन इवेंट्स क्या होती हैं, राइट? सो लेट्स सी अबाउट फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ओवम, एग, राइट? और बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे इसके पास आते हैं, सो यू कैन सो यू नो देयर आर 200 million to 300 million स्पर्म्स इन वन इजैकुलेशन। ओके, अराउंड 3 crore स्पर्म्स आर देयर, सो आउट ऑफ दैट ओनली वन स्पर्म एंटर्स द एग। और तो इसमें जैसे हमने बताया था स्पर्म की स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, तो स्पर्म का जो हेड होता है, राइट? उसमें स्पर्म न्यूक्लियस होता है, राइट? और स्पर्म न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे एक पाउच रखा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम वेसिकल। ओके, ये एक्रोसोम वेसिकल होता है, तो एक्रोसोम वेसिकल में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखे होते हैं, राइट? तो क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसे कॉन्टेक्ट करेगा जोना प्लासिडा से, तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता जाएगा, राइट? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइटिक एंजाइम्स। ओके, लाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहाँ होते हैं, एक्रोसोम वेसिकल के अंदर होते हैं। ओके, दीज आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आल्सो कॉल्ड लाइटिक एंजाइम्स। ओके, ये एक्रोसोम वेसिकल के अंदर रखे होते हैं, एक्रोसोम वेसिकल ब्रेक होता है और उसे क्या होता है, 3 तरह के लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ओके, उनको हम स्पर्म लाइसिस भी बोलते हैं, स्पर्म लाइसिस।
LYSINS, sperm lysis. तो ये तीन तरह के होते हैं. तो लेट मी टाइप देयर नेम्स हियर. ओके, सो स्पर्म लाइसिस, तो पहला हो गया आपका हाई एल्यूरोनिडेज. सो हाई एल्यूरोनिडेज क्या होता है, ये हाई एल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है. और हाई एल्यूरोनिक एसिड कहां पर होता है, ये होता है आपको पता है कि स्पर्म जो एग होता है, एग के बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स होती है बहुत सारी, isn't it? कोरोना रेडिएटा सेल्स यानी ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ओके, उन्हीं से कोरोना रेडिएटा बनती है. सेकेंड रूस एग के बाहर यानी दो लेयर होती है, एक तो जोना पेलोसिडा होती है, ये आपको दिख रही है जोना पेलोसिडा होती है, और उसके बाद इसके बाहर जो होती है फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, ओके, वो बनाती हैं कोरोना रेडिएटा लेयर. ओके, सेकेंड लेयर होती है वो एग की. तो जो ये जो सेल्स होती हैं वो आपस में चिपकी रहती है एक दूसरे के साथ, ओके, दे आर सीमेंटेड टूगेदर. तो उनको जो सीमेंट, उनका जो सीमेंटिंग मेटेरियल होता है उनके बीच में, तो दैट सीमेंटिंग मेटेरियल इज कम्पोज ऑफ हाई एल्यूरोनिक एसिड. ओके, जैसे वॉल होती है घर की, दीवार होती है, उसमें ब्रिक्स लगी होती है, ईंटें लगी होती हैं, तो ईंटों को चिपकाते हम सीमेंट से, सीमेंटिंग मेटेरियल होता है. तो ऐसे ही जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, सॉरी, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं जिसको हम फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं, ये भी आपस में सीमेंटिंग मेटेरियल से चिपकी होती है जो हाई एल्यूरोनिक एसिड का बना होता है. और तो अगर कोरोना रेडिएटा को हमें ब्रेक करना है तो इस सीमेंटिंग मटेरियल को हमें तोड़ना पड़ेगा. और वो क्या काम, वो कौन तोड़ेगा इसको, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम इसको ब्रेक करेगा, राइट. और तो ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा, ओके, और फिर जोना पेलोसिडा तक आ जाएगा. उसके बाद जोना पेलोसिडा को ओके भी डाइजेस्ट किया जाता है. और तो हम दूसरे एंजाइम बताते हैं, दूसरे एंजाइम का नाम है CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. तो इसमें, तो इसके नाम से लग रहा है कि ये कोरोना रेडिएटा में पेनिट्रेट करता है, कोरोना रेडिएटर की सेल्स को ब्रेक कर देता है, राइट. हाई एल्यूरोनिडेज क्या करता है, केवल सीमेंटिंग मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, तो सेल्स लूज जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, राइट. और उसके बाद ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स को भी ब्रेक कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, राइट, और जोना पेलोसिडा तक पहुंच जाएगा. उसके बाद जोना पेलोसिडा को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है उसका नाम है एक्रोसिन और जोनालाइसिन. जोनालाइसिन ये जोना पेलोसिडा को ब्रेक कर देगा. सो दीज आर स्पर्म लाइसिंस, ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच ब्रेक कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिडा. ओके, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है एग के बाहर, ओवम के बाहर. और तो आप देख रहे हैं हाइड्रोलाइट जो एक्रोसोम वेसिकल के बाहर, यानी ये जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं यहाँ पे, यानी पहले स्पर्म टच करेगा, राइट, इसको. उसके बाद क्या होगा, एक्रोसोम वेसिकल ब्रेक हो जाता है, एक्रोसोम वेसिकल, स्पर्म की मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाती है. स्पर्म की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, एक्रोसोम वेसिकल भी इसके टच कॉन्टेक्ट में आएगा और एक्रोसोम वेसिकल ब्रेक हो जाएगा, उसके एंजाइम बाहर आ जाएंगे. और उसके बाद ये इसको देखिए यहाँ पे डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ गया ये, राइट. और तो ये हो गया हमारा हाउ द स्पर्म मेक्स एंट्री इनटू द एग, राइट. तो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बता देते हैं. यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करता है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे केवल स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करता है एग के अंदर, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है स्पर्म का वो बाहर ही रह जाता है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं कर पाता, इजंट इट. ये आपको पॉइंट याद रखना है.
सेकंड पॉइंट, तो एक स्पर्म एंटर करने के बाद दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, ओके, यानी मोर देन वन स्पर्म डू नॉट एंटर इनटू द एग। अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, तो पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, ओके, तो पॉलीस्पर्मी ना हो इसके लिए मैकेनिज्म होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, ओके, तो पॉलीस्पर्मी रोकने के लिए, ओके, सो द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी दो होते हैं, राइट, तो पहला होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक, ओके, फास्ट ब्लॉक इसको इसलिए बोलते हैं वो बड़ी जल्दी होता है, तो क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसकी मेम्ब्रेन को टच करता है, राइट, एग की मेम्ब्रेन को टच करेगा, तो एग मेम्ब्रेन को जैसे टच करेगा तो एग मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो चेंज हो जाता है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा नर्वस टिश्यू, पढ़ा होगा कि इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इजंट इट, देयर इज अ माइनस 90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल इनसाइड द सेल अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इजंट इट, सो दैट इज तो वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, ओके, और ये पॉजिटिव हो जाता है, ओके, माइनस 90 मिलीवोल्ट से प्लस 10 के करीब, प्लस 10 मिलीवोल्ट हो जाता है, ओके, तो ये बड़ा तुरंत होता है, ओके, विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तो उससे क्या होगा, दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, ओके, इट इज वेरी इंस्टेंट रिएक्शन होती है, फास्ट एंड इंस्टेंट होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, राइट, और तो इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, ओके, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज चेंज्ड, ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ ये परमानेंट नहीं होता, फास्ट ब्लॉक परमानेंट नहीं होता, ओके, ये यानी बहुत ये कम टाइम के लिए रहता है, तो परमानेंटली कोई भी यानी ऐसा मैकेनिज्म हमें चाहिए जो परमानेंटली बाकी स्पर्म को एंट्री करने से रोके, राइट, तो इसके लिए तो सेकंड मैकेनिज्म होता है, वो होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो, कि वो धीरे धीरे होता है, लेकिन वो एक बार जब बन जाता है तो उसके बाद दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, और स्लो ब्लॉक में दो मैकेनिज्म है, ओके, पहला है कॉर्टिकल रिएक्शन, तो क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एग का साइटोप्लाज्म है उसके जो पेरिफेरल पार्ट है, जो किनारे वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो वेसिकल्स पड़े हैं बहुत सारे, तो ये जो वेसिकल्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉर्टिकल वेसिकल्स, कॉर्टिकल वेसिकल्स, और इनके अंदर एक मटेरियल होता है, राइट, तो वो इनके अंदर भरा होता है, और तो क्या होता है फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं ये कॉर्टेक्स से क्या होता है मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं, और मेम्ब्रेन के पास आके आपस में ये जुड़ जाते हैं, इसी ये यहाँ पे मेम्ब्रेन के पास आया और मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वेसिकल की मेम्ब्रेन ये एग मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, और ये ब्रेक पॉइंट है यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाता है, इसी यहाँ पे मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है और इसके कंटेंट फिर यहाँ पे आ जाते हैं, कंटेंट कहाँ जाएंगे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच में इसके कंटेंट आ जाएंगे, जी यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे खाली था यहाँ पे, तो उसके कंटेंट ये अपने यहाँ रिलीज कर देंगे, बहुत सारे उन्होंने रिलीज कर दिए, तो क्या होगा एक बैरियर बन गया यहाँ पे, ये जो मटेरियल है इनका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ये जो मटेरियल है फिर बाकी स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देगा, ये परमानेंटली ये बैरियर बन जाता है, राइट, तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको, और तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही स्पर्म टच करता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, ओके, और कैल्शियम अंदर एंटर करता है, वो कैल्शियम फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से बाइंड करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं और कंटेंट बाहर रिलीज कर देते हैं, ओके, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलोसिडा, और ये इसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन, ओके, और इसके अलावा जोना रिएक्शन भी होती है, ओके, जोना रिएक्शन भी होती है, तो जोना रिएक्शन में क्या होता है आप ये स्पर्म रिसेप्टर्स यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, तो जोना के जो ये स्पर्म रिसेप्टर दे आर डिस्ट्रॉयड बेसिकली, ओके,
जोना में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड, ओके, सो उसको हम जोना रिएक्शन बोलते हैं। तो ये स्लो ब्लॉक है पॉलीस्पर्मी के लिए। तो हमने बताया ब्लॉक्स यानी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, ओके। तो पहला है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दूसरा है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो ये था फर्टिलाइजेशन के बारे में। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में, वो ये एग की मेम्ब्रेन पे, एग में होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फर्टिलाइजिन, ओके। और स्पर्म के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजेशन, सॉरी एंटी फर्टिलाइजिन। यानी एग के होंगे फर्टिलाइजिन, स्पर्म के होंगे एंटी फर्टिलाइजिन, ओके। तो ये हर स्पीसीज के यूनिक होते हैं, ओके, स्पेसिफिक होते हैं। यानी डॉग्स का अलग होगा, कैट्स का अलग होगा, ह्यूमन बींग का अलग होगा, राइट। और तो इसी यानी उसी स्पीसीज का स्पर्म ही केवल उसी स्पीसीज के एग से ही कंबाइन कर पाएगा, किसी और स्पीसीज का स्पर्म किसी और स्पीसीज के एग से कंबाइन कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, राइट, फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन। अब याद रखना फर्टिलाइजेशन एग पे होता है, राइट, याद रखना आपको, और एंटी फर्टिलाइजेशन स्पर्म पे होगा। सो दे आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके। सो दैट इज अबाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके। सो लेट्स कम टू, ओके, तो ये देखिए हमने फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा कि जायगोट जो है माइटोसिस से डिवाइड करता है, ओके, और सेल्स मल्टीप्लाई कर रही होती है, ओके, जोना प्लासिडा ये, ओके, इसके अंदर सेल्स हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से, ओके। तो इस तरह लेट मी क्लियर सम थिंग्स हियर, जस्ट 1 मिनट, ओके। सो तो ये जो 8 सेल तक बन जाती हैं, ओके, 8 से 16 जो सेल स्टेज होती है उसको हम बोलेंगे मोरूला, ओके। सो मोरूला जो स्टेज होती है, जस्ट लेट मी क्लियर सम ड्राइंग्स, ओके, या। सो ये जो मोरूला स्टेज होती है, ओके, उसका मोरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला, कि ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं मैमल्स में, राइट, ब्लास्टोसिस्ट। और उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट, आप डेज भी नोट करते जाइए, ओके, ये फोर्थ डे हो गया, फिफ्थ डे करीब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। उसके बाद सेवंथ डे, ओके, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ओके, वो सेवंथ डे यूट्रस की वॉल में एंटर करने लग जाती है, उसके अंदर यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाती है, राइट, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करके वो उसमें एंटर कर जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आप इसमें दो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ पहले, तो यानी जो स्टेजेस बन रहे हैं, ओके, सो 8 से 16 स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं मोरूला, और मोरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है 32 सेल स्टेज उसको बोलेंगे ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, ओके। तो ये भी हम आगे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस बन जाता है वो फिर सेवंथ डे फर्टिलाइजेशन होने के 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 7वें दिन, राइट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस की वॉल में एंडोमेट्रियम को ब्रेक करते हैं, यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाता है, एंटर कर जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओके। सो ये हम आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है, ओके। सो बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, यस, सो यू कैन सी ये जो इधर जो एम्ब्रियो डेवलप होता आ रहा है यहाँ पे, राइट, नीचे ये 5-6 दिन तक यहाँ नीचे आ जाता है, उसके बाद ये 7वें दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये एंटर कर रहा है और मायोमेट्रियम में तक आ गया है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम में एंट्री हो रही है इसकी, उसके अंदर एम्बेड हो गया, ये देखिए। तो इसका जब
इसकी जो बिगिनिंग है आप यहाँ पे देखिए, इसी को जूम किया है इसने, मैग्निफाई कर यहाँ पे दिखाया, ये देखिए। तो ये जो एम्ब्रियो है बेसिकली इसमें 32 सेल स्टेज होती है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, इसमें 32 सेल स्टेज होती है ये, राइट। और इसकी जो 32 सेल स्टेज होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर क्या होगी। यस ओके, तो जो ब्लास्टुला है तो ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पे मोरूला मैंने बताया था, ये मोरूला है ओके, 8 to 16 सेल स्टेज होती है ये ओके। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं ओके, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं ओके। तो कुछ सेल्स यूजी एक बाहर एक लेयर बना लेती हैं, ये बाहर वाली लेयर, उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, राइट, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे उसको, ये वाली बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट नीचे लिखा हुआ है इधर नीचे बॉटम पे, और कुछ सेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, राइट, उसको बोलते हैं हम इनर सेल मास, नीचे लिखा हुआ है इनर सेल मास। इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोनिक नोब भी बोलते हैं, KNOB, नोब, एम्ब्रियोनिक नोब ओके। और ये जो एम्ब्रियोनिक नोब है ओके, इसकी डी सेल्स ओके लेटर विल फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर ओके, इसी से बनेगा एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा, इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा ओके। और ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के वो प्लासेंटा बनने में हेल्प करेगा, एजेंट इट। तो आगे हम बताएंगे कि ट्रोफोब्लास्ट यानी प्लासेंटा बनेगा और इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा। तो बाकी जो खाली स्पेस रह जाता है ब्लास्टुला के अंदर, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिल, कि ब्लास्टोसिल इज द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला ओके। तो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होता है, अर्ली ब्लास्टुला जो होता है वो होलो होता है ओके, होलो वॉल ऑफ सेल्स फिल्ड विद फ्लूइड ओके। तो ब्लास्टोसिल इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसिल, ब्लास्टुला की कैविटी क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिल ओके। यानी ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला की बात है, और उसके बाद लेट ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और उसमें उसमें लेट ब्लास्टुला में क्या होगा, लेट ब्लास्टुला में ये जो इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं, ये दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं ओके, एक ये वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है ओके। इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क, नीचे लिखा हुआ एम्ब्रियोनिक डिस्क, इसको हम जर्मिनल डिस्क भी बोलेंगे, जर्मिनल डिस्क ओके। तो ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये ट्रोफोब्लास्ट है, राइट, और ये इनर सेल मास है, बाकी जो एक होलो कैविटी अंदर ओके, ये स्फीयर है बेसिकली ओके। तो स्फीयर की जो वॉल है वो ट्रोफोब्लास्ट है, और बाकी जो अंदर सेल्स हैं वो इनर सेल मास है। और इनर सेल मास की जो ये आखिरी वाली लेयर है ऊपर वाली ओके, ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट के कंटेक्ट में होती है, उसको बोलते हैं रॉबर्स सेल, बोलते हैं उसको रॉबर्स, RAUBER, रॉबर्स सेल्स ओके। और अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या होगा ओके। वेल तो यहां पे एक दो पॉइंट और हैं, तो दूसरे पॉइंट ये कि जैसे जैसे नीचे आता है इसकी कोरोना रेडिएटा सेल्स, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कोरोना रेडिएटा सेल्स वगैरह हैं,
तो वो डिटैच हो जाती हैं कंप्लीटली, ओके। और नीचे आते आते क्या होता है, जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वही ब्लास्टोसिल का जो फ्लूइड होता है वही सीक्रेट करती है, ट्रोफोब्लास्ट से ही बनता है जो फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड जैसे जैसे बढ़ेगा तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो उसे क्या होता है जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाती है, राइट। तो जोना पेलुसिडा इसी यहाँ पे ब्रेक हो गई यहाँ पे जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा ब्रेक होने की यानी उसमें एक होल बन जाता है, स्लिट पतला सा होल बन जाता है, झिर्री बन जाती है, और उस झिर्री से फिर ये जो एम्ब्रियो है वो बाहर आ जाता है, ओके। एम्ब्रियो यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है ये बाहर आ जाता है, बाहर आने लगता है, और बाहर आने के बाद फिर वो यूट्रस में इम्प्लांट करता है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जोना पेलुसिडा के बाहर आते वक्त, क्योंकि बहुत पतली सी झिर्री होती है, स्लिट होती है, स्लिट, तो उस स्लिट में से बाहर आते वक्त कई बार क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, और हर पार्ट से अलग बेबी बनेगा, ठीक है, उससे आइडेंटिकल ट्विन इस तरह बनते हैं, ठीक है, बाय ब्रेकिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो आइडेंटिकल ट्विन्स यानी इस तरह बनते हैं, और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो दो अलग अलग एम्ब्रियो से, दो अलग अलग एग होते हैं, ओके, और वो दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, ओके, और यानी तो उसको यानी वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, राइट, क्योंकि वो दो अलग अलग एग है और यहाँ पर एक ही एग है, ओके, और यहाँ पे एम्ब्रियो की स्प्लिटिंग से दो बनेंगे इसलिए आइडेंटिकल होंगे, इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विन से बोल सकते हैं, और अगर दो एग दो अलग अलग स्पर्म से कंबाइन करते हैं तो उनसे डाइजाइगोटिक बोलेंगे उसको, ओके, तो क्योंकि दो जायगोट बनेंगे तो डाइजाइगोटिक बोलेंगे उसको, तो ये ओके। तो ये तो ब्लास्टोसिस्ट है वो सेवंथ डे इम्प्लांट हो जाएगा, राइट। और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कैसे होता है अब हम ये बताएंगे। सो फर्स्ट स्टेज हमने कवर किया था फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कैसे होता है अभी हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो होता क्या कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ट्रोफोब्लास्ट इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है कि इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई भी बोल सकते हैं, कोरियोनिक विलाई, और दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे हेल्प इन पेनिट्रेटिंग द एंडोमेट्रियम, ओके। सो यहाँ पे देखिए तो ये देखिए ये जो हमारी जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यार सेवंथ डे के बाद इम्प्लांट होना स्टार्ट इम्प्लांट होता है, सेवंथ डे इम्प्लांट होता है ये सेवंथ डे, और यहाँ पे देखिए ये आउटर सेल ट्रोफोब्लास्ट है, ओके, अंदर का होलो है, होलो कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ब्लास्टोसिल का नाम दिखा देता हूँ आपको, ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल लिखा हुआ, राइट, ब्लास्टोसिल, एंड तो ब्लास्टोसिल जो होती है ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिल, और ये आपका इनर सेल मास हो गया ये वाला, ओके, इनर सेल मास, एम्ब्रियो प्रॉपर भी बोल सकते हैं इसको, या एम्ब्रियोनिक नोब भी, केएनओबी को नोब भी बोल सकते हैं इसको, और तो ये ट्रोफोब्लास्ट होती है, ओके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आती है, उनको बोलते हैं विलाई, कोरियन विलाई बोलते हैं, एंड दे पेनिट्रेट, दे हेल्प इन पेनिट्रेशन, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके, तो एंडोमेट्रियम को, ये यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम है, ओके, यहाँ पे ये वाला एंडोमेट्रियम है, तो इसको डाइजेस्ट करते हुए अंदर एंटर कर रही है, क्रोनिक विलाई यानी डाइजेशन में भी हेल्प करती है एंडोमेट्रियम के, और दे ऑल्सो help in nutrition of the embryo, they absorb nutritive material, okay, from the surrounding medium to provide nutrition to the developing blastocyst, aur to endometrium mein glands hoti hain, blood vessels hote hain, they provide nutrition to the developing blastocyst, to ye dekhiye ye completely enter kar chuka hai yahan pe, okay, implantation ho chuka hai yahan pe, aur ye trophoblast जो है कि कोरोनिक विलाई है यहाँ पे, ओके,
और तो हमने बताया था कि ये जो इनर सेल मास होता है ये दो लेयर में रीअरेंज हो जाता है, ओके, एक लेयर ये और दूसरी लेयर, तो इन दो लेयर को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलेंगे, ओके। तो इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क को मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, राइट। ओके, तो ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है हमारी, ये वाली ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली लेयर, दो लेयर हैं, ओके। यानी ये देखिए, ये हमारा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, राइट। और ब्लास्टोसिस्ट में ये देखिए यहाँ पे ये जो पहले इनर सेल मास था पहले, उसके बाद ये इसी यहाँ पे दो लेयर बन जाती है, इनर सेल मास से दो लेयर बन जाती है यहाँ पे, एक दो। तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जो दो लेयर का बना होता है, ओके, उसको बोलेंगे जर्मिनल डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ओके। और इसमें इनके नाम है, ठीक है, पहली लेयर का नाम है और उसका भी नाम है। ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। तो जर्मिनल डिस्क में यानी दो लेयर होंगी, कौन कौन सी लेयर होंगी, ये वाली एपीब्लास्ट, ये ऊपर वाली लेयर है, और हाइपोब्लास्ट, ये नीचे वाली लेयर है हाइपोब्लास्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट में यानी हमारे पास बन जाती है जर्मिनल डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है। और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क, इसी एम्ब्रियोनिक डिस्क से फिर नेक्स्ट स्टेज बनेगा, ओके। और उस नेक्स्ट स्टेज को हम बोलेंगे गैस्ट्रूला, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एपिब्लास्ट है, ओके, इट इज द सोर्स ऑफ एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। इसी से एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म बनती हैं, ओके। वो कैसे बनती है भी हम बताएंगे, ओके। तो जो ब्लास्टोसिस्ट में जब तीन लेयर बन जाती हैं, तीन जर्म लेयर बोलते हैं उनको, ओके, जब तीन जर्म लेयर बन जाती हैं जिनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, ओके, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम बोलेंगे गैस्ट्रूला। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि ये इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई यहाँ पे, राइट। उसके बाद इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से, यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या क्या है, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है, और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ओके, फिर कन्वर्ट हो जाती है तीन जर्म लेयर में, राइट। तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो उस स्टेज को हम गैस्ट्रूला बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो तीन जर्म लेयर है, यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क है, राइट, और इसमें ये एपिब्लास्ट है, नीचे हाइपोब्लास्ट है। तो ये एपिब्लास्ट की सेल से यानी तीन लेयर बनती हैं और ये यहाँ पे अरेंज हो जाती है यहाँ पे, ओके। तो ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, ये वाली लेयर, ओके। एपिब्लास्ट ही बनती है तीनों की तीनों, याद रखना आपको, यानी एपिब्लास्ट की सेल्स डिवाइड करती हैं, ओके, और वो उन्हीं सेल्स से फिर ये नई लेयर बन जाती है, ये वाली एक्टोडर्म है, ओके। और ये बीच वाली रेड सेल्स होती हैं, ये मेजोडर्म है, ओके, और ये जो नीचे वाली लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, ओके। तो एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, ओके। तो ये जो स्टेज है उसको बोलेंगे गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला स्टेज है ये। Just a minute. Gastrula. And the process of formation of gastrula is called gastrulation. Okay, gastrulation. Right. So gastrula, so this is the embryo with three primary germ layers. कौन कौन सी प्राइमरी जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। और ये आपको बताइए करीब करीब 16th डे बन जाता है, ओके। ये 32 सेल्स, सॉरी, ये यानी हमने बताया
ब्लास्टोसिस 32 सेल स्टेज होता है, उसके ब्लास्टोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या बनती है एम्ब्रियो की, गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला की पहचान क्या है, इट हैज थ्री जर्म लेयर्स। जब तीन जर्म लेयर बन जाती है एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म तभी इसको गैस्ट्रोला बोलेंगे। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट स्टेज मोरूला 8 टू 16 सेल स्टेज होती है। ओके उसके बाद ब्लास्टुला 32 सेल स्टेज और उसके बाद गैस्ट्रोला राइट। तो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, पहले इनर सेल मास था, इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी जिसके अंदर एपिब्लास्ट होती है, प्रोवाली नीचे एपिब्लास्ट होती है, उसके बाद एपिब्लास्ट की सेल डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके तीन नई लेयर बना लेती हैं और इन्हीं तीन नई लेयर को हम एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म बोल देते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत होती है थोड़ा सा। तो गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है ओके, ये आपको यहाँ पे जानना है तो वो हम थोड़ा आपको बताते हैं। तो अगर मैं इस डिस्क को बाहर निकाल लूं ओके, यहाँ से इस डिस्क को, ये जो डिस्क का जो अंदर तक है ओके, इस डिस्क को मैं बाहर निकाल रहा हूँ ओके, बाहर निकालेंगे तो ये कैसे दिखेगी ओके, तो ये जो है आपको ये देखो अभी अंदर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क है ओके, ये ऐसे दिख रही है आपको, ये अंदर तक है ये राइट। तो बेसिकली ये जो ये जो डिस्क है ओके, इसमें ऊपर जो क्या होता है, ऊपर जो होती है वो शुरू में ओके, शुरू में क्या होता है ऊपर एपिब्लास्ट होती है, वाली एपिब्लास्ट है ब्लू कलर, और नीचे वाली ये हाइपोब्लास्ट है राइट। तो इसमें इनसे तीन लेयर कैसे बन गई बेसिकली ओके, तो इनसे क्या होता है कि पहले जो एपिब्लास्ट की सेल्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, डिवाइड करती हैं वो ओके, डिवाइड होके वो सेंटर की तरफ इकट्ठा होने लगती हैं, जैसे यहाँ की जो इस एरिया में जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं राइट, और डिवाइड होके वो सेंटर की तरफ आने लगती हैं इधर इसके, ऐसे इस एरिया में ये सेल्स डिवाइड करेंगे एपिब्लास्ट की और वो सेंटर की तरफ इधर आने लगती हैं राइट। तो इधर से आ रही हैं ओके, और सेंटर पे कन्वर्ज हो रही हैं राइट, और उसके बाद वो नीचे निकल जा रही हैं, नीचे डिटैच हो जा रही है, यहाँ पे डिटैच हो रही हैं ठीक है, ये नई सेल बन जा रही हैं राइट। और ये जो नई सेल्स जो बन रही हैं ये सेल फिर इस हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देंगी, हाइपोब्लास्ट की सेल्स को रिप्लेस कर देंगी और हाइपोब्लास्ट की सेल्स की जगह क्या बन जाएगा, एंडोडर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा याद रखना है ओके, एंडोडर्म बनेगा सबसे पहले, उसके बाद और सेल आएंगी ऊपर से नीचे ओके, और बन के आएंगी और वो सेल यहाँ पे ये जो खाली जगह है इसको फिलअप कर देती हैं ओके, ये जो रेड वाला एरिया है, तो ये जो रेड वाला एरिया है इसको फिलअप कर देंगी और ये जो लेयर बनेगी उसको बोलेंगे मीजोडर्म बोलेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होती है, जो सेल बच जाती है एपिब्लास्ट में ऊपर राइट, वो बना लेंगी एक्टोडर्म। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या बनेगा, एंडोडर्म बनेगा, दूसरे नंबर पे मीजोडर्म बनेगा, तीसरे नंबर पे एक्टोडर्म बनेगा राइट। और ये जब तीन लेयर बन जाती हैं तो उसको हम गैस्ट्रोला बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सोर्स ऑफ सेल्स, इस सेल्स कहाँ से आ रही हैं, एंडोडर्म की सेल कहाँ से आ रही हैं, मेजोडर्म की सेल्स कहाँ से आ रही हैं और एक्टोडर्म की सेल्स कहाँ से आ रही है, एपिब्लास्ट की सेल्स डिवाइड होकर प्रोवाइड करती हैं राइट। सो एपिब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल द थ्री जर्म लेयर्स, एपिब्लास्ट की सेल्स ही पहले यानी एंडोडर्म की पहले हाइपोब्लास्ट की सेल को रिप्लेस करती हैं एंडोडर्म बनाने के लिए, उसके बाद मेजोडर्म बना लेती हैं और उसके बाद रिमेनिंग सेल्स दे फॉर्म रिमेनिंग एपिब्लास्ट सेल्स फॉर्म एक्टोडर्म। और इस तरह एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर में जाती हैं आप देखिए ओके, ऊपर वाली को हम एक्टोडर्म बोल देते हैं, बीच वाली को मेजोडर्म, नीचे वाली को एंडोडर्म बोल देते हैं। और ये तीन थ्री लेयर जो जर्मिनल थ्री जर्म लेयर्स होती हैं इस एम्ब्रियो में, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम गैस्ट्रोला बोल देंगे राइट। तो गैस्ट्रोला के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओके, वो हम आपको बता रहे हैं। तो
गैस्ट्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है यहाँ पे, ओके, डिप्रेशन बन जाता है, उसको प्रिमिटिव स्टिक बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये एपिप्लास्ट है, ऊपर वाली एपिप्लास्ट है, एम्ब्रियोनिक डिस्क मैंने निकाला हुआ है बाहर, राइट। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क में दो लेयर है हमारे, हमें पता है ये ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये क्या है, ये एपिप्लास्ट है, इजंट इट। और ये जो नीचे वाली लेयर है, इस में ये क्या होती है, ये एंडोडर्म, एंडोडर्म होती है, इजंट इट। यानी आप अगर आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो इसको, ओके ओके नो इशू, लेट मी टेल यू अदर इन अदर वर्ड्स। सो तो सबसे पहले क्या होगा, जो एपिब्लास्ट की जो सेल्स होती है, ये आसपास की जो सेल्स इस एरिया से, ये डिवाइड होने लगती है, मल्टीप्लाई करने लगती है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरफ सेंटर की तरफ आने लग रही है। देखिए मैंने पहले बताया आपको, ये सेंटर की तरफ आ रही है, ओके, और सेंटर की तरफ आके फिर ये यहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है आर पार ऐसे, ठीक है, एम्ब्रियो के पोस्टीरियर साइड से आगे तक, ये इधर इंटीरियर साइड है, इधर पोस्टीरियर साइड है एम्ब्रियो का। तो ये जो खड्डा सा बन जाता है, ओके, डिप्रेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव है ये, PRIMI, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है तो इसका मतलब गैस्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया। यानी जब एपिप्लास्ट में प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है, इट मींस गैस्ट्रोलिसिस हैज स्टार्टेड। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रोलेशन, ओके। और तो इस तरह जो सेल डिवाइड होके सेंटर पे इधर, ये देखिए यहाँ पे इनवेजिनेट हो रही है, ओके, तो इनवेजिनेशन से हो रहा है, इनवेजिनेशन बोलते हैं, इनवेजिनेशन। तो इनवेजिनेशन, INVAGINETION, इनवेजिनेशन से ये बन रहा है। और उसके बाद ये सेल नीचे की तरफ डिटैच हो रही है, ओके, इसको बोलते हैं इनग्रेशन, इनग्रेशन से बाहर आ जाती है इधर, ओके, इनवेजिनेशन, उसके बाद ये इनग्रेशन से बाहर आ जा रही है। और इसी उसके बाद ये इधर फैलने लगती हैं, इधर फैलने लगती हैं, राइट। और सबसे पहले ये जो हाइपरब्लास्ट है उसको रिप्लेस कर देंगी, जिससे एंडोडर्म बन जाएगा, दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे मेजोडर्म डालेंगी, और थर्ड नंबर पे जो बाकी जो सेल बच जाते हैं एपिप्लास्ट की, वो बना क्या बना लेंगी, एक्टोडर्म। तो ये था कि गैस्ट्रोलेशन कैसे होता है। और गैस्ट्रोलेशन में आपको पता कि ये सेल्स मूव करती हैं, ओके, तो द मूवमेंट ऑफ सेल्स, ओके, टेक्स प्लेस इन गैस्ट्रोलेशन। तो इन मूवमेंट को हम बोलते हैं मार्फोजेनेटिक मूवमेंट, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट और मार्फोजेनेसिस। तो मार्फोजेनेसिस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियो की शेप डेवलप होने लगती है, ओके, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो इनवेजिनेशन है, ओके, ये मार्फोजेनेटिक मूवमेंट है, सो दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन। तो ये हमने आपको बताया कि गैस्ट्रोलेशन कैसे होता है। अब आपको बताते हैं, तो गैस्ट्रोलेशन में तीन जर्म लेयर बन जाती हैं, इन्हीं तीन जर्म लेयर से, ओके, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं से सारे ऑर्गन बनते हैं बॉडी के, ओके। तो ये जो सारे और या ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना होता है, तो ये आप इसको फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, ओके, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्टोडर्म से कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे, मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे, एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ओके, तो जर्म लेयर से जो ऑर्गन बनते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आपको इस चीज में इतना याद रखना है, ऑर्गेनोजेनेसिस ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। तो हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जाम पॉइंट उससे इम्पोर्टेंट है, वो हम दोबारा आपको बताते हैं, ओके। तो बेसिकली जो आपने देखा ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल बोलते हैं, राइट। और ब्लास्टोसिल में जब गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके, तो गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट होता है तो हमने बताया था कि देखिए यहाँ पे
ये सेल्स नीचे ऐसे एक नीचे इन्वेजिनेट हो रही है, नीचे इन्वेजिनेट हो रही है और ऐसे सेल्स, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलेंगे ये जो इसको आर्किटेरन बोलेंगे। ओके ये जो एक्टोडर्म है, ओके ये अंदर एंडोडर्म है राइट, और ये अंदर जो कैविटी हो रही है, कैविटी बन रही है, इसको आर्किन्टीरोन बोलते हैं। आर्किन्टीरोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिड सॉरी गट, एम्ब्रियो की गट होती है बेसिकली। ओके इसी से बाद में आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा एम्ब्रियो का। ओके और जो आर्किन्टीरोन की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इसमें ब्लास्टोपोर बोलेंगे, नीचे इसमें लिखा हुआ है ब्लास्टोपोर, इसमें ये हाइड कर रखा है। ओके ब्लास्टोपोर नीचे लिखा हुआ यहाँ पे ब्लास्टोपोर। ओके तो ये जो आर्किन्टीरोन है इट्स ए गट ऑफ द एम्ब्रियो। ओके और ये इसका खाली स्पेस है, इसकी ओपनिंग, ये जो है ओपनिंग है उसको ब्लास्टोपोर बोलेंगे। ओके और ये जो गट कहाँ ये ब्लास्टोसिल के अंदर, देखो ब्लास्टोसिल के अंदर ये भरती जा रही है इसकी गट। ओके गैस्ट्रोला, ये जो गैस्ट्रोला स्टेज है बेसिकली, तो गैस्ट्रोला में हमने बताया कि जो तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब गैस्ट्रोलेशन जैसे 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 प्रोग्रेस होता आगे बढ़ता है तो क्या होगा, ब्लास्टोसिल का साइज कम होता जाएगा। ओके और आर्किन्टीरोन का साइज बढ़ता जाएगा, आर्किन्टीरोन यानी ब्लास्टोसिल के अंदर ही ग्रो कर रही है जनरेट, तो इसलिए ब्लास्टोसिल का साइज, देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिल काफी बड़ी है, ये ऊपर ग्रो कर रहा है ये जो आर्किन्टीरोन है। ओके इसकी गट है, ये ऐसे ग्रो कर रही है ऊपर की तरफ, तो देखो यहाँ पे बड़ी हो गई है, ये कहाँ ग्रो कर रही है, स्पेस का किस स्पेस में ग्रो कर रही है, ब्लास्टोसिल जो उसका स्पेस है उसमें ग्रो कर रही है, तो आर्किन्टीरोन का साइज बढ़ रहा है, ब्लास्टोसिल का साइज घट रहा है, ये आपको याद रखना है। तो जो एग्जाम में जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको बोलते हैं विच वन, क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो करेक्ट ये होता है कि आर्किन्टीरोन ओब्लिटरेट्स ब्लास्टोसिल, यानी आर्किन्टीरोन ब्लास्टोसिल को कम करती जाती है, उसका साइज कम करती है, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट्स। ओके ऑब्लिटरेट्स टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, ऑब्लिटरेट्स, सो आर्किन्टीरोन ऑब्लिटरेट्स ब्लास्टोसिल, सो दैट इज अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके ब्लास्टोपोर क्या होता है, यानी द ओपनिंग ऑफ आर्किन्टीरोन, आर्किन्टीरोन क्या होती है गट ऑफ द गैस्ट्रोला राइट, फ्यूचर गट होती है राइट, इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा आगे जाके, और आर्किन्टीरोन ऑब्लिटरेट्स ब्लास्टोसिल, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। उसके बाद सम एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम बता दें, तो क्या होता है कि ये देखिए पहले हमने बताया कि एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है जिसमें एपिब्लास्ट होती है, नीचे हाइपोब्लास्ट होती है। ओके उसके बाद क्या होता है, नीचे यहाँ पे ये जो हाइपोब्लास्ट की सेल से क्या होता है, नीचे सेल डिवाइड करती है और नीचे की तरफ एक लेयर बनाने लगती है, नीचे की तरफ एक और लेयर बनने लगती है यहाँ पे देखिए। ओके और इसको बोलते हैं योक्षक, ओके ये डेवलप हो रही है योक्षक, और नीचे तक ये डेवलप हो जाएगी, देखो नेक्स्ट स्टेज में डेवलप हो जाएगी नीचे तक। एक मिनट ये देखिए, तो यहाँ पे योक्षक, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके योक्षक ह्यूमन बीइंग में काफी छोटी होती है, रिड्यूस होती है। ओके बाद में ये बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में इसमें योक्षक में क्या होता है, रिजर्व फूड स्टोर होता है, योक रिजर्व फूड स्टोर होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं राइट, तो जैसे बर्ड्स वगैरह में होता है तो योक स्टोर होता है उसमें, बट इन ह्यूमन बींग्स योक्षक इज रिड्यूस्ड। ओके अल्टीमेटली इट इज रिड्यूस्ड एंड स्मॉल, तो योक्षक यहाँ पे डेवलप हो रही है हाइपोब्लास्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और
उसके नीचे यॉर्कशायर डेवलप हो रही है यहाँ पे, उसके बाद ये पूरी बन जाती है। देखो यहाँ पे ये पाउच बन गया, यॉर्कशायर का पाउच बन जाता है पूरा यहाँ पे, हाइपोब्लास्ट के हाइपोब्लास्ट है उसके नीचे का जो पाउच बन गया उसको बोलेंगे यॉर्क सैक। तो ये यॉर्क सैक बन गया पूरा आपका, राइट। और ऐसे ही एक और होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी ये एम्ब्रियो के बाहर है क्योंकि एम्ब्रियो तो हमारा यही पोर्शन है। ओके, तो बाकी जो एम्ब्रियो के बाहर जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो ये यॉर्क सैक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, ठीक है, यॉर्क सैक। और तो दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो उसको बोलेंगे एमनियन। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट से क्या होता है कुछ सेल्स डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और ऊपर ऊपर एक पाउच बना लेती हैं। ओके, ट्रोफोब्लास्ट यानी ट्रोफोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में एक पाउच बन जाता है, ये आपकी एपिब्लास्ट है और ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट है। तो उन दोनों के बीच में फ्लूइड फील्ड कैविटी डेवलप हो जाती है। ओके, और उस फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। ओके, और इसकी लेयर को बोलेंगे एमनियन, ये जो एमनियन, ये एमनियन बन गया एमनियन। ओके, एमनियन एक पाउच है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, यानी एमनियन की जो रूफ है वो एमनियोजेनिक सेल्स की बनी होती है। एमनियोजेनिक सेल्स कहाँ से आ रही है, वो एपिप्लास से ही डिवाइड होकर आ रही है, राइट। तो एमनियो एमनियन इज ए इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन, राइट। एमनियन हैज एमनियन इज ए पाउच, इट हैज ए फ्लूइड कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, ये एम्ब्रियो को शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, मैकेनिकल शॉक है, राइट, या डेसिकेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है, तो मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल इंजरीज एंड डेसिकेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये एमनियो एक्स्ट्रा एमनियन का फंक्शन है। और डिलीवरी के टाइम पे जब जो वाटर ब्रेक होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर ब्रेक हो गया, वो इसी के फटने से, एमनियन फटती है तो उसका फ्लूइड बाहर जाता है, उसको हम वाटर ब्रेक बोलते हैं डिलीवरी से पहले जो होता है। और तो पहले हमने बताया आपको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यानी जो एम्ब्रियो प्रॉपर के बाहर जो मेन एम्ब्रियो है उसके बाहर यानी कुछ मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो पहले हमने बताया यॉर्क सैक, दूसरा बताया हमने एमनियन। ओके, ये एमनियन बन चुकी है, ये देखिए गैस्ट्रुला में कंप्लीट गैस्ट्रुला बन जाता है। तो देखिए इसमें ब्लास्टुला में बनना शुरू हो जाती है, ब्लास्टुला स्टेज में ये सब एमनियन भी बन जाती है। ओके, और यॉर्क सैक भी बन चुकी होती है, कंप्लीटली बन जाती है। और गैस्ट्रोला देखिए, गैस्ट्रोला में भी ये ऊपर वाला, ओके, ये तो मान लीजिए एक्टोटर्म है। ओके, और ये मेजोटर्म एंडोटर्म है, बाकी जो पाउच है ऊपर इस ये है एमनियन है, एमनियन है, और नीचे वाला जो पाउच है ये यॉर्क सैक है। और जो थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो होती है कोरियन। कोरियन जो है वो ये वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है, आगे बताते हैं दूसरे स्टेप में। ओके, तो जो बाहर वाली ये जो बताया ये वाली कोरियन है। ओके, कोरियन ट्रोफोब्लास्ट से ही बनती है बेसिकली। क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो होती है शुरू में वो सिंगल लेयर होती है, बाद में ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो लेयर बना लेती है ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो एक जो अंदर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की वाली, ये वाली ये इस सेल्स की बनी होती है, इसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, उसमें सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ओके, यानी उसमें पार्टीशन नहीं होता, कॉमन साइटोप्लाज्म बन जाता है, राइट, उसको बोलते हैं सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, SIN सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट। मैं टाइप कर देता हूं यहां पे, टाइपिंग टूल। सिनसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, ओके,
राइट, तो यहाँ पे तो ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और आप देख रहे हैं ये जो ये ट्रोफोब्लास्ट ये कोरियोनिक विलाई बना रही है बाहर की तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, ओके, इनटू द मैटरनल टिश्यू एंड तो ये कोरियोन है, ओके, कोरियोन, कोरियोन यानी ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होती है, और ये थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ओके, और इसके अलावा अलायंटाइस होती है, अलायंटाइस बहुत छोटी होती है, ओके, तो कोरियन का फंक्शन क्या होगा, कोरियन फॉर्म्स प्लासेंटा, ओके, कोरियन फॉर्म्स यू नो पहले इम्प्लांटेशन के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलती है, विलाई बनाती है, कोरोनिक विलाई बोलते हैं, कोरोनिक विलाई, उसके बाद यही जो पार्ट है कोरोनिक विलाई वाले वाला पार्ट, ये प्लासेंटा में डेवलप होने लगता है, राइट, प्लासेंटा, और ये कोरियन का फंक्शन है, प्लासेंटा क्या करता है, प्लासेंटा के बारे में एक अलग टॉपिक है, ओके, तो अलग लेक्चर बनता है उस पर, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली मैं थोड़ा बता देता हूँ, प्लासेंटा इज ए स्ट्रक्चर कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रियो, ओके, तो इसमें आधा पार्ट एम्ब्रियो का होता है, बेबी का होता है, आधा पार्ट मदर का टिश्यू होता है, ओके, प्लासेंटा में, और इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ लाइक ऑक्सीजन, राइट, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियो, ओके, तो ये क्योंकि ब्लड वेसल्स मदर के टिश्यू में होते हैं, तो जो एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल है वो एम्ब्रियो से इधर आ जाएगा, मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, ओके, हार्मोन्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह, वो इधर से अंदर ऐसे आ जाएंगे अंदर विलाई के थ्रू, सो इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, एंड तो ये प्लासेंटा जो कोरियन होती है, ओके, दे आल्सो प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है वो केवल प्रेगनेंसी में ही बनता है, राइट, कोरियोनिक विलाई बन जाती है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्लासेंटा, बाद में जब प्रॉपर प्लासेंटा डेवलप हो जाता है तो वो भी HCG बनाता रहता है, राइट, और HCG क्या काम करता है, ह्यूमन HCG केवल प्रेगनेंसी में होता है, ओके, तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ओके, प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसमें HCG डिटेक्ट किया जाता है, ओके, तो ये यानी मदर के यूरिन में भी आने लगता है, ओके, तो यूरिन सैंपल टेस्ट करते हैं, अगर उसमें HCG है तो इसमें मतलब प्रेगनेंसी है, नहीं तो नहीं है, राइट, और HCG क्यों बनता है, राइट, HCG बेसिकली ये क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तभी उसे प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन जब बनता रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाता रहेगा, यूट्रस के बाल को मेंटेन रखेगा, थिक रखेगा, ग्लैंड्स को मेंटेन रखेगा, इजंट, तो वो यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, तो इसलिए हमने कहा था कि जो प्रोजेस्टेरोन है इट्स हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, इजंट, और HCG जो है भी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट, सो दिस इज अबाउट प्लासेंटा ब्रीफली स्ट्रक्चर, और एक और होती है अलायंटाइस, अलायंटाइस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, अलायंटाइस स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बेसिकली, ओके, और अलायंटाइस ह्यूमन बीइंग में कोरियन के साथ मिलकर प्लासेंटा डेवलप होने में हेल्प करती है, यानी कोरियन प्लस अलायंटाइस आपस में मिलकर अलायंटो कोरियोनिक प्लासेंटा बनाती है ह्यूमन बीइंग से, और तो जैसे ये फुली इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर इसमें देखा है डिटेल में, फुली इम्प्लांटेड, ओके, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर अंदर आ जाती है, ओके, तो फुली इम्प्लांट, ये इम्प्लांट हो रही है, फुली इम्प्लांट होने के बाद ये देखो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये आपकी मायोमेट्रियम वगैरह, इसमें मदर का जो मायोमेट्रियम उसका कनेक्टेड टिश्यू है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, और ये ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये हमने देखा इम्प्लांटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और
extra-embryonic membrane, right? और तो ये फुल इम्प्लांटेड है, राइट? ये देखिए यहाँ पे हमने देखा, तो अगर हम इसको देखें तो ये जर्मिनल डिस्क है, ये एपिब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट है, बाद में इन्हीं से एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म बन जाती हैं, ये योक्षक है हमारी, योक्षक है, ये एमनियन है, एमनियन एमनियन एमनियोटिक फ्लूड है ये, राइट? और उसके बाद कुछ सेल्स यहाँ से डिवाइड कर करके ये बाहर एक और लेयर बना लेती हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोड्रम। ये मेजोड्रम है, राइट? तो ये मेजोड्रम है, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोड्रम। इसी मेजोड्रम के अंदर खाली स्पेस बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ये बॉडी कैविटी होती है, राइट? और बाहर ये ट्रोफोब्लास्ट आप देख रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के दो लेयर हैं, ओके? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये वाली सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये वाले जिसमें लैक्यूना है, ब्लड फील्ड लैक्यूना होते हैं। तो ये जो ब्लड फील्ड लैक्यूना होते हैं, दे स्टोर ब्लड एंड दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो कोरियोनिक विलाई यानी इसमें इसी से बनती है, इसी से ट्रोफोब्लास्ट। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो मैं आपको फाइनली फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, राइट? तो हमने पहले फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको डे वन डे टू डे थ्री डे पांच दिन तक नीचे आ जाता है जो एम्ब्रियो होता है, और वो ब्लास्टोसिस स्टेज में इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है मैंने बताया। और जो ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास होता है, फिर ये एम्ब्रियोनिक डिस्क में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डिस्क में दो लेयर होती हैं, राइट? एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, राइट? और उसके बाद ये जो एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट होती हैं, राइट, इनकी जगह तीन लेयर बन जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, राइट? और इस स्टेज को हम बोलेंगे गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला स्टेज में बोलेंगे, राइट? गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला बन जाएगा। और तो ये हमने गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस बताई थी, ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, राइट? तो गैस्ट्रुलेशन में ये देखिए सेल्स यहाँ से इधर आ रही है, राइट? तो गैस्ट्रुलेशन के बारे में एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है, तो ये जो डिप्रेशन बन जाता है, ये जो खड्डा बन जाता है, ओके, एपिब्लास्ट में, इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक, पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक, पूरे खड्डे को, ये जो डिप्रेशन है, पूरे डिप्रेशन को, पूरे एरिया को प्रिमिटिव, पूरी स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलेंगे, और इसके डिप्रेशन को बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। ग्रूव होता है यानी जो खाली जगह होती है अंदर किसी चीज के, राइट? तो द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक, ओके? कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक, और इसके अंदर जो झिल्ली, ये जो झिल्ली होती है, खाली जगह होती है, डिप्रेशन होता है, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। और प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ओके? उसको बोलते हैं हैंसन्स नोड, बोलते हैं प्रिमिटिव नोड बोलते हैं इसको, या हैंसन्स नोड बोलते हैं, हैंसन्स नोड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, आगे बढ़ता जा रहा है ये। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो ग्रो कर रही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर पार्ट एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट से और एंटीरियर पार्ट में ग्रो करती है, इधर पोस्टीरियर पार्ट है, इधर एंटीरियर पार्ट है, तो ये इस तरफ ग्रो कर रही है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने बताया कि किस तरह यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क के फिर किस तरह गैस्ट्रुलेशन होता है, उसके बाद किस तरह तीन जर्म लेयर बन जाती हैं, तो ये हमने ये बताया, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये देखा हमने, देखा तो ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ये जर्मिनल डिस्क, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन से तीन लेयर बन जाती है यहाँ पे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, राइट? और फिर इन एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, ओके? और उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, और ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। और सो दैट इज अबाउट हाउ इट इज। सो आई होप, ओके, आगे फिर जैसे करीब 25 दिन के बाद क्या होता है इस तरह की, यानी एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो की जो तीन जर्म लेयर थी, ओके, उनसे यानी ऑर्गन्स बनते हैं, राइट?
जैसे मैंने बताया देखिए जैसे जैसे यूट्रस में जैसे इम्प्लांटेड है एम्ब्रियो राइट, तो उसमें देखिए तो मैंने हमने बताया था कि सारी इसमें देखो योगक्षा रिड्यूस हो जाती है, मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में योगक्षा की हाईली रिड्यूस्ड ओके, और क्योंकि योगक्षा का यानी न्यूट्रिशन के लिए अदर एनिमल में इसका यूज होता है, लेकिन ह्यूमन बींग तो प्लासेंटा होता है तो योगक्षा यूजफुल नहीं होती है, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है बिकॉज न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द एम्ब्रियो वाया प्लासेंटा ओके, तो प्लासेंटा से न्यूट्रिशन जाता है ओके, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा का ये जो पार्ट है ओके, ये एम्ब्रियो से अटैच्ड है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड राइट, ये देखिए ये एम्ब्रियो है डेवलप हो रहा है राइट, इसमें ऑर्गन भी बनने लग रहे हैं, और ये एमनियोन इसके चारों तरफ है ओके, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है हमारा जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है एमनियोन के अंदर, एमनियोन एक पाउच है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है ओके, इसके अंदर है, तो ये मैकेनिकल शॉक से उसको बचा रहा है, डिहाइड्रेशन से बचा रहा है राइट, योगक्षा डिग्रेड हो जा रही है यानी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है, और मैंने बताया था कोरियन जो होती है वो प्लासेंटा में कन्वर्ट हो जा रही है अल्टीमेटली राइट, और अलांटोइस होती है वो प्लासेंटा का ही पार्ट होता है, अलांटो कोरियोनिक प्लासेंटा होता है, तो ये डिटेल में हमने देखा, और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, तो ये जो एम्ब्रियो है ओके, ये एमनियन के अंदर है, ओके तो इसी तो कोरियन तो बाहर वाला हो गया जी, बाहर वाली कोरियन हो गया राइट, और ये जी कोरियन मिलके बाहर ये प्लासेंटा डेवलप हो रहा है, इधर प्लासेंटा नीचे लिखा हुआ है, तो ये जो फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन थे जो विलाई थे शुरू में छोटे छोटे थे, पतले पतले थे, छोटे छोटे थे, बाद में और डेवलप हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, मोटे जाते हैं, और ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन जाती है ये वाली, उसको हम प्लासेंटा बोल देते हैं राइट, और इसमें ब्लड वेसल मदर के ब्लड वेसल्स इधर से आते हैं, इधर से फीटस के यानी जो एम्ब्रियो के ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें इंटरकनेक्शन होता है, यानी उनका ब्लड मिक्सिंग नहीं होता, याद रखना यहाँ पे मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता, इंटरमिक्स नहीं होता है राइट, तो पर क्योंकि जो ब्लड के पलेरी होती हैं, वीन्स की जो वॉल होती है वो परमिएबल होती हैं, तो इसके थ्रू ही एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का राइट, सो ये आपने देखा, और तो कोरियन फिर उसके नीचे एम्ब्रियन एमनियन, उसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, और उसके बाद अलांटोइस ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड हो गए, बहुत छोटी होती है और रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट, ये कहीं होती है रिड्यूस्ड, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो एंटायर ये जो स्ट्रक्चर है ओके, थोड़ा इसमें कोरियन का पार्ट है ओके, तो ये जो ये देखिए, तो इसमें क्या होता है कि मदर के जो ब्लड वेसल्स हैं ओके, और फीटस के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, वो क्लोजली फिटेड होते हैं दूसरे में राइट, तो यहाँ पे दो अम्बिलिकल आर्टरी जा रही है अंदर, इधर देखो और एक वीन होती है ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ओके, यानी ये प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा का पार्ट है ये, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है यानी इट्स पार्ट ऑफ प्लासेंटा दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी टू द प्लासेंटा ओके, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन द प्लासेंटा एंड द बेबी ओके, और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं यानी आर्टरीज होते हैं वीन्स होते हैं, तो इसमें दो आर्टरीज हो याद रखना, दो आर्टरीज होती हैं और एक वीन होती है ओके, जो ब्लू वाली है सेंटर पे वीन होती है, और इसके बाद देखो दो आर्टरीज लिपटी हुई है राइट, तो ये आपको याद रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसके बाद कोरियन की लेयर होती है, तो दैट इज अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमने बता दिया राइट, उनके फंक्शन बता दिए, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है ये बता दिया, और प्लासेंटा बता दिया, तो आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि कई बार मैंने रिपीट कर करके बताया है, और आई थिंक यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेज में मैंने बताया ओके, हाँ तो
तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाले पॉइंट ये है, ओके, ये यूट्रस है, यूट्रस है, ये आपका जो वजाइनल ट्यूब है, वजाइना है, राइट, ये सर्विक्स है, सर्विक्स पार्ट है। तो इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस की वॉल में ही ग्रोथ हो रही है, देखिए बेबी की ग्रोथ, जो एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा है वो यूट्रस की वॉल में, और यूट्रस का जो स्पेस था, खाली जगह थी, उसके अंदर ही वो ग्रो करता जा रहा है आगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस बचा यूट्रस के अंदर, ओके, जो ल्यूमन है यूट्रस का वो थोड़ा सा बचा है, देखिए यहाँ पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इम्प्लांटेशन थोड़ा सा था, उसमें छोटा सा साइज था एम्ब्रियो का, इम्प्लांटेशन के बाद उसके बाद ग्रो होता गया, यूट्रस की वॉल के अंदर ही ग्रो होता गया, और वो वॉल यानी ऐसे देखिए यूट्रस की वॉल यहाँ तक ठीक हो गई, यहाँ तक देखो, और उसमें यूट्रस की वॉल जो ग्रो कर रही है वो कहाँ कर रही है, यूट्रस के ल्यूमन के अंदर कर रही है, राइट। और योगशक देखिए काफी छोटी रह गया आखिरी, मैंने बताया था। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि प्लासेंटा के तीन पार्ट कर सकते हैं, हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्लासेंटा को। तो प्लासेंटा का जो ये जो बेसिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो मदर के इधर और ये जो इधर जो अटैच होता है, जो बेबी और मदर के टिश्यू से का जो बेसिक अटैचमेंट होता है, उसको बोलते हैं बेसालिस, डेसिडोआ बेसालिस, टाइप कर देता हूँ। बेसल पार्ट दैट इज वाया विच द फीटस इज द डेवलपिंग बेबी इज अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, इसलिए उसको बेसालिस बोलते हैं, ओके, अटैचमेंट पॉइंट है बेबी का मदर के टिश्यू के साथ। दूसरा पार्ट है प्लासेंटा का, वो होता है जो इस पार्ट को छोड़ के, जो ये वाला इस पार्ट को छोड़ के, बेसिक पार्ट को छोड़ के, ये वाला जो पार्ट है जो बेबी के चारों तरफ है, ओके, प्लासेंटा का ये पार्ट, उसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस, कैप्सुलरिस। और प्लासेंटा का कुछ पार्ट जो है वो इधर भी फैल जाता है, ये जो इधर यूट्रस की वॉल होता है इसके भी ऊपर एक लेयर बन जाती है प्लासेंटा की, जो इधर वाली लेयर है, राइट, यानी यूट्रस की जो इधर वाली वॉल है, तो ये जो इसको तो यानी डेसिडस बेसेलिस और कैप्सुलरिस को छोड़ के बाकी जगह जो भी प्लासेंटा का पार्ट होता है उसको बोलेंगे, ये वाला इस लेयर होगी यहाँ पे, उसको बोलेंगे डेसिडस पेरिटेलिस। और प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, ये जो सर्विकल ग्लैंड्स होती हैं, दे प्रोड्यूस सर्विकल म्यूकस, और वो म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्विकल प्लग। सर्विकल प्लग जो होता है वो क्या करता है, ये उसको बंद कर देता है, तो इससे क्या होता है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन वगैरह वो अंदर नहीं जाएगा, ओके, सो दैट इज फंक्शन ऑफ सर्विकल प्लग। सो दैट इज अबाउट सम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, ये 10 वीक्स का ये एम्ब्रियो है, ओके, करीबी। और तो ये हमने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है विद प्रॉपर डायग्राम, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बुक्स में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम होते हैं, डायग्राम प्रॉपर नहीं होते हैं, और आई थिंक इट विल हेल्प यू ए लॉट। एंड तो ये मैं ये दीज आर नॉट कमर्शियल वीडियो लेक्चर्स, बेसिकली मैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो बनाता हूँ टाइम निकाल के बीच में, जो बच्चे प्रोफेशनल कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए, इनका कोई कमर्शियल यूज नहीं है, राइट, और आप अपने लिए यूज करिए, अपने जानने वाले के लिए यूज करिए, उनको बताइए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनका फायदा उठा पाए, isn't it? So that is all. So in next topic we will take other important topics of this chapter, maybe gametogenesis or like that. So that's all. Thanks. Have a nice day. Bye.